नमस्ते मैं गीता खरब आपको आज ये लड्डू स्मोकिंग हाई एंड लो ड्रेस बनाना बताऊंगी हमने ये बना रखी है हम इसके लिए कितना कपड़ा लेंगे और कितना बनने के बाद ये स्मोकिंग पार्ट बनेगा वो सब दिखाएंगे टोटल कपड़ा कितना लेना है वो भी बताएंगे आप ध्यान रखें कॉटन और लिनन का क्लॉथ इसके लिए यूज ना करें और कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए फोर मीटर टोटल क्लॉथ यूज़ करेंगे अब इसकी वीड्थ नापते हैं स्टार्टिंग में स्मोकिंग पार्ट बनाएंगे हम स्मोकिंग पार्ट के लिए हमें फोर्टी इंच इसकी वीड्स चाहिए अब इसकी लेंथ लेते हैं लेंथ में चाहिए ट्वेंटी सेवन एंड हाफ इंच इसकी लेंथ लेनी है स्मोकिंग पार्ट के लिए अभी हमें इधर से वन एंड हाफ इंच इधर से साइड से छोड़ना है निशान लगा के हमें इसके इन निशान को ज्वाइंट करने हैं मिलाना है अभी इसके हम थर्टी सेवन में इंच में हमें वो करने बॉक्सेस बनाने हैं वन इंच हमें लेंथ की साइड से छोड़ना है निशान लगाने निशान को हमें मिलाना है अभी हमें टू टू सेंटीमीटर की एट लाइन बनानी है जो कि टोटल सिक्सटीन सेंटीमीटर में हमारी लाइन लग जाएंगी हमने कंप्लीट कर दी है अभी हमें टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर हमें फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है अभी फिर से हमें एट लाइन बनानी है टू टू सेंटीमीटर की हमारी लाइन हो गई है फिर से हमें 2.5 सेंटीमीटर निशान लगाना है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर 2.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। उसके बाद फिर से हमें एट लाइन बनानी है टू टू सेंटीमीटर की फिर से 2.5 सेंटीमीटर में निशान लगाना है और फिर से फाइव सेंटीमीटर में निशान लगाना है फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में निशान लगाना है अभी फिर से हमें एट लाइन बनी है टू टू सेंटीमीटर की हम ये विर्थ की साइड से ले रही हैं अभी वर्थ की साइड से निशान लगा रही हुए थर्टी सेवन इंच में हमारे टोटल निशान लगेंगे और वन एन हाफ इंच हमारे लास्ट में छूट जाएगा वन एन हाफ इंच हमारा स्टार्टिंग में छूट गया तो अंदर रह गया हमारा थर्टी सेवन इंच बॉक्सेज में अभी इसके सामने सामने भी ऐसे ही निशान लगाएंगे सेम जैसे हमने पहले निशान लगाए थे सेम सेम हमें निशान लगाने हैं ताकि हमारी लाइन अच्छे से मिल जाए पहले हमने एट लाइन लगाई फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाया फिर से फाइव सेंटीमीटर पर फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पे निशान लगाना है फिर से हमें सिक्सटीन लाइन सिक्सटीन सेंटीमीटर टोटल टो टो लेके टू टू सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाने हैं एट बॉक्सेस हमारे बन जाएंगे एक लाइन फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर हमें बॉक्सेस बनाने हैं, एट लाइन बनानी है सॉरी टू टू सेंटीमीटर की एट लाइन हमने ये बना दी है ऐसे उसके बाद फिर से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर पर निशान लगाना है फिर फाइव सेंटीमीटर फिर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इस तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है अभी सिक्सटीन सेंटीमीटर लगाएंगे टू टू सेंटीमीटर के तो हम इन लाइन को, को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से इस तरह से हमें ये पूरी लाइन ज्वाइन करनी है पूरे को कंप्लीट करना छोटे छोटे पार्ट में निशान लगा के हमने एक साइड के निशान कंप्लीट कर दिया आप ऐसे देख सकते हैं अभी इधर से निशान लगाने स्टार्ट करते हैं इधर पे हमें ये टू टू सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे और निशान को मिला लेते हैं जो हमने एट लाइन बनाई थी हम उन्हीं पर निशान लगा रहे हैं अभी हमारी ये जहाँ पे हमने टू टू एट लाइन लगाई थी उधर ही हमें टू टू सेंटीमीटर पे निशान लगा के ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएंगे हमारे ये ऐसे हमारे ये फोर पार्ट है उन पे हम ये निशान लगाएंगे अभी ये हमारा लड्डू के लिए पार्ट है जो जो फाइव फा, सेंटीमीटर छोड़ा था हमने तो इधर पे हमें ये टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर के बॉक्सेस बनाने हैं इधर जितनी आपको विड्थ रखनी जैसे इसके हमारे लड्डू की विड्थ है फाइव सेंटीमीटर तो इसका लेंथ हमें उसका हाफ लेना पड़ेगा टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अगर आप लड्डू का ज्यादा विड़थ ले रखिए तो उसकी उसका हाफ रखें इधर के साइड भी हमें लड्डू के लिए करना पड़ेगा सेम ऐसे ही फाइव सेंटीमीटर की विड़थ है और लेंथ हमें रखनी है इसकी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब इनको मिलाएंगे हमारे ये लड्डू पार्ट के लिए हैं अब इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे ही निशान लगा के इधर पे टू टू सेंटीमीटर पर निशान लगेंगे यहाँ पे टू पॉइंट फाइव इधर पे टू टू सेंटीमीटर के अभी हम ये पूरे को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हमने ये कम पूरा बॉक्स कर दिया है कंप्लीट आप देख सकते हैं ऐसे करके अभी इस पर निशान लगाना शुरू करें हमारे ये फिफ्टीन पार्ट टू पार्ट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पार्ट हमारे इसमें ऐसे बन गए हैं फिफ्टीन पार्ट हो गए हमारे ये अभी हम इस पर निशान लगाना स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग का निशान लगाएंगे इस तरह से हमें निशान लगाने हैं फर्स्ट लाइन ऐसे कंप्लीट की फिर हम सेकंड टू लाइन को एक साथ में लेना हमें ऐसे निशान लगाना फर्स्ट वाला बॉक्स छोड़ना है फिर वन बॉक्स का गैप करना है ऐसे करके हमें ये वन वन का गैप करके सेकंड लाइन ऐसे कंप्लीट करनी है फिर हमें फिर से टू लाइन को एक साथ में लेना है फिर इस तरह से हमें ये नेक्स्ट वाली लाइन भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है फिर अगेन हमें नेक्स्ट लाइन लेनी है टू टू लाइन एक साथ में और लास्ट हमारी वन लाइन हमारी ये बच गई अकेली इसको कंप्लीट करना है ऐसे ऐसे ही निशान हमें दूसरे पार्ट पे भी लगाना है अभी दूसरे वाले पार्ट पे भी सेम इधर जाएंगे और सेम ऐसे ही निशान लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाए थे फर्स्ट में हमें एक लाइन लेनी है सेकंड में हमें टू टू लाइन एक साथ में लेना है फिर उसके बाद टू लाइन लेनी है उसके बाद फिर से टू लाइन को एक साथ में लेना है फिर हमारी लास्ट लाइन बचेगी इसको अकेले लेना है ऐसे ही हमें ये दो पार्ट और बचे उनको भी ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे ऐसे करके हमने पूरे निशान कम्प्लीट कर दिए हैं आप ऐसे देख सकते हैं अभी स्टिच करना स्टार्ट करते हैं हम दो साथ दो लाइन को एक साथ में लेंगे धागे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और हमें नोट लगा देनी है नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएंगे एक बार फिर से निकाल लेंगे नोट लग जाएगी फिर सेकंड वाले पॉइंट पे, थर्ड वाले पॉइंट पे, फिर इसको धागे को खींचना है और हमें नोट लगा देनी है टू टाइम नोट लगाएंगे हम इसमें फिर वापिस से हम फर्स्ट वाले लाइन पे आएंगे अभी फिर से वापिस उसी लाइन पे जाएंगे सेकंड वाले पे वह फिर से निकालेंगे नोट लग जाएगी हमारी ये फिर इसके सेकंड वाले पॉइंट पे जाएंगे थर्ड वाले पॉइंट पे जाएंगे और फिर से नोट लगाएंगे इस तरह से हमें पॉइंट टू पॉइंट जाना है और हमें नोट लगानी है टू टाइम हम ये नोट लगाएंगे फिर वापिस से हम फर्स्ट लाइन पे आ जाते हैं इस तरह से हमें ये फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दी हमने ये पूरी आप देख सकते हैं ऐसे अभी नेक्स्ट मोबाइल लाइन हम स्टार्ट करते हैं फिर से हम दो लाइन को एक साथ में लेंगे नोट लगा देते हैं अभी इधर पे। फिर सेकंड वाइल लाइन पे जाएंगे लास्ट में हमारी एक लाइन अकेले बच जाएगी उसको हम अकेले में करेंगे नोट लगा दिए फिर वापिस इस लाइन पे आ गए हैं बार फिर से निकालेंगे नोट लग जाएगी फिर सेकेंड वाले पॉइंट पे जाएंगे थर्ड वाले पॉइंट पे जाएंगे और फिर से हम ये धागे को खींच के नोट लगाएंगे इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले को भी हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है टू टू लाइन को लेना है साथ में फिर लास्ट वाले को भी ऐसे ही कंप्लीट करना है अभी कंप्लीट करते हैं हम है ऐसे ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा ऑट साइड में सीधे साइड से हमारा कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है अभी इसकी विड्थ हो गई है ट्वेंटी फोर इंच और इसकी लेंथ हो गई है नाइनटीन इंच आप ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं और इसका स्मोकिंग पार्ट हो गया सेवनटीन इंच वन वन इंच हमने साइड से छोड़ा था अभी इधर हमारे लड्डू बनेंगे लड्डू के लिए हमने ये सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं हमें रनिंग स्टिच लगाई हमने ये नीडल से और इसको नॉट लगा देना है फिर से एक बार रनिंग स्टिच लगाएंगे जो हमने लाइन्स लगाई लाइन के ऊपर से हमें रनिंग स्टिच लगानी है और इस पर टू टाइम हम ये नोट लगा देंगे ऐसे ही हमें ये नेक्स्ट वाले पे करना है रनिंग स्टिच लगाएंगे और धागे को अपनी तरफ खींचना है और हमें नोट लगा देनी है नेक्स्ट वाले पे भी ऐसे ही करते हैं पूरा हमें ऐसे ही करना है हम आपको टू और थ्री बना के दिखाएंगे फिर इसमें कॉटन डालना है थोड़ा सा ही कॉटन डलेगा क्योंकि हमारे छोटे लड्डू बनेंगे तो हमारे कॉटन भी थोड़ा सा डलेगा इसमें फिर इसको ऊपर से क्लोज कर देंगे जो हमारी लाइन है लाइन के लाइन के ऊपर से हमें सिलाई नीडल को लेके जाना है एक लड्डू हमारा ऐसे बन गया है नेक्स्ट वाला लड्डू फिर से बनाते हैं कॉटन डालेंगे इसके अंदर और उसके ऊपर से क्लोज करेंगे अभी इसको ऊपर से बंद कर लेते हैं हमारे ये दो लड्डू बन गए ऐसे हैं। अभी नेक्स्ट वाले में फिर से हम कॉटन डाल देंगे और इसको भी ऊपर से क्लोज करेंगे ध्यान रहे आप लड्डू कम ज्यादा नहीं वो कॉटन कम ज्यादा मत डाले कॉटन आपको सेम सेम से डालने ताकि आपके लड्डू सेम एक जैसे रहें फिर से इसको ऊपर से बंद कर लेते हैं इस तरह से हमें ये पूरे लड्डू कंप्लीट करने हैं जितने भी हमारे लड्डू हैं हम इसको इधर भी ऐसे लड्डू बना के लेके आएंगे और कंप्लीट करते हैं इसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया लड्डू वाला पार्ट आप देख सकते हैं ऐसे अभी सीधे साइड से हमारा ये ऐसे दिखाई दे रहा है अभी जो साइड वाला पार्ट है इसको हमें फोल्डिंग में लेना है इस कपड़े को इस तरह से आप चाहे तो ऐसे सिलाई मशीन से भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं अदरवाइज आप नीडल से ऐसे सिलें इसको जितना फोल्डिंग में आएगा उतना ही आप इसको फोल्ड करें अब इस तरह से हम ये इसके साइडों से इसको पूरा कंप्लीट करके लाएंगे। चारों साइड से इसको फोल्ड करना पड़ेगा हमें इधर से भी ऐसे ही फोल्ड करना है और ऊपर नीचे से भी इसको फोल्ड करके लेके आते हैं हमने पूरा फोल्ड कर दिया आप ऐसे देख सकते हैं हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है अब इसकी विड्थ हो गई है एटीन इंच खिंचने के बाद तो और नाइनटीन हो जाएगी इसकी विर्थ काफी खींचता है और लेंथ हो गई है इसकी इधर से 19 इंच नाइनटीन इंच इसकी लेंथ हो गई है अभी हम इसका बैक पार्ट बना रहे चोली का चोली को कट करेंगे हमने इसको फोल्ड करना है लेंथ इसकी रखी है ट्वेंटी इंच और इसकी विड्थ भी हमने टेन पॉइंट टू टेन इंच टू सेंटीमीटर हुई है अभी हम शोल्डर लेंगे इसका सिक्स इंच का हमें शोल्डर रखना है शोल्डर के लिए हमने ये निशान लगा दिए हैं निशान को मिला लेते हैं अभी हम आम होल लेंगे आम होल भी हम सिक्स इंच का लेंगे हम स्लीवलेस बना रहे हैं अभी एट एंड हाफ इंच हमारी ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे हम इधर से इधर से थ्री इंच पे भी हम ये एट एंड हाफ इंच पे निशान लगाएंगे बाद में इधर थ्री इंच पे हमें एक निशान लगाना एक या सेवन इंच पे हमें कमर का निशान लगाना फिर और नीचे लास्ट में एक निशान लगेगा वो आप जितना लगाना चाहे लगा सकते हैं अभी यहाँ से भी एट एंड हाफ इंच पे लगाएंगे इसी इसलिए लगाया था कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आए एट एंड एंड एट इंच हमने ये कमर के लिए निशान लगाया है अभी निशान को हमें मिला लेते हैं ये तो थ्री इंच पे निशान लगा हमने सेम तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है नीचे भी हमने ये एट एंड हाफ इंच पे निशान लगा दिया और इन सबको मिला दिया वन इंच के में ये गुलाई करनी है इसके आम होल्की हमने ये गुलाई कर दिया है वन इंच की और थ्री इंच के में नेक की बिर्थ रखनी है नेक की बिर्थ ली हमने थ्री इंच और नेक हमें छुटा रखना तो हम फाइव इंच की लेंथ लेंगे इसमें हमने इसको ये बना दिया है अब इसमें हमें राउंड नेक बनाना है तो हम इसको शेप दे दी हमने राउंड नेक की नेक को हमें अभी कट नहीं करेंगे अभी हम ये कट कर लेते हैं और नेक को हम ये बाद में कट करेंगे पहले हम ये इसका बैक वाला पार्ट कट करेंगे ये बैक वाला पार्ट लिया है हमने इसकी लेंथ भी सेम ही रखनी है ट्वेंटी इंच इसकी लेंथ रखनी है विर्थ भी इस कपड़े की सेम ही है इसको इसके ऊपर रखेंगे और आम होल में थोड़ा सा इसका डिफरेंस रखना है बस यहाँ से यहाँ तक इसका वन वन इंच का इतना ऐसे डिफरेंस करना है और सेम ऐसे कट कर देना है और कोई इसमें में डिफरेंट नहीं करना अलग कुछ नहीं करना है अभी इसको बैक वाला पार्ट कट गया नीचे वाला ऊपर वाला हमारे इसको अलग से करके इसका नेक कट कर देते हैं ऐसे ही आप बैक वाले पार्ट का भी नेक कट कर लीजिए जैसे हमने ये किया है ये हमारे राउंड नेक बन गया ऐसे ये बैक वाले का भी हमने कट कर दिया है नेक अभी हम आपको स्कर्ट काटने बताएंगे पेपर को ऐसे फोल्ड करना पेपर पर पे बताएंगे ताकि उस पर दिखाई ना दे ना उस पे, पे न उसपे कपड़े पे दिखाई देता अच्छे से बड़ा हो जाता है फिर से फोल्ड करना है ऐसे करके और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप एक्स्ट्रा कट कर ले ले क्योंकि जितनी वीड्थ है उतनी हमारी लेंथ भी इसमें सेम ही रहेगी अभी ऊपर से आपको जितनी आपकी कमर वो लेना है आपको कि कमर है उतनी आपको ये गोलाई करनी है फिर जितनी लेंथ होगी आपको उतनी लेंथ लेनी है जितनी रखनी है उसको लेंथ रखनी है उतनी ऐसे ही उस पर गोल सर्कल बनाना है ऊपर भी आपको सर्कल बनाना है इस तरह से हमें ये स्कर्ट कट करनी है हमें हाई लो कट करनी है देखा ऐसे आप वीड्स नाप सकते हैं इसकी जितने आपकी वीड्थ है कि हमारी वीड्स कम ज्यादा है तो आप ऐसे करके नाप सकते हैं कम है तो ज्यादा और बढ़ा सकते हैं उसको अभी हाई लो कैसे करेंगे इसको सीधा करना है इधर से आपको जितना कम करना है उस पर निशान लगाएं इधर से और इसको और इसको ऐसे मिला दें इस तरह से आप इसको ऐसे मिला के ऐसे कट कर सकते हैं स्ट्रेट में निशान लगाएं आप इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं जैसे ओपन करके भी लगा सकते हैं मर्जी आपकी अगर आप इसको राउंड शेप देना चाहें तो आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं इस तरह से जो भी शेप आपको अच्छे लगे वो आप इसको शेप दे सकते हैं इस तरह से हम ये हाई लो हमारी ये कट कट जाएगी हम आपको कपड़ पे भी दिखाते हैं अभी कितनी इसकी लेंथ लेनी है ये हमने कपड़ा लिया इसकी लेंथ हमने रखने फोल्ड करने के बाद फोर्टी वन इंच फोर्टी वन इंच और ऊपर से हमें ये टेन इंच पे ऐसे गोलाई लगानी जैसे हमने उस पर लगा के दिखाई थी तो हम इस पर टेन इंच की गोलाई करेंगे सर्कल बनाना हमें टेन इंच पे तो ये सर्कल को इस तरह से मैं नाप लेना हमें एट एंड हाफ इंच लेकिन ये हाफ इंच है तो उस, उसके बाद ये स्ट्रेच हो जाएगा कटने के बाद हाफ इंच बढ़ जाएगा अभी फिर हम ये फोर्टी वन इंच पे ऐसे सर्कल में निशान लगाएंगे हमने देखो ये सर्कल में निशान लगा दिया नीचे की साइड भी फोर्टी वन इंच पे करके सर्कल में निशान लगा दिया अभी हमारे स्कर्ट बन गए थर्टी वन इंच की ये कटने के बाद बन जाएगी और यहाँ से हमने हाई एंड लो किया तो इलेवन इंच हमने इधर से वाले पार्ट को हमें करना है वाले पार्ट को कट नहीं करना हैं अभी हम है देखो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट कर दिया है आप ऐसे देख सकते हैं हमारे स्कर्ट ये कट गई है अभी स्टिच करना स्टार्ट करते है हमने ये स्मोकिंग वाला पार्ट लिया और ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया इन दोनों को हमें ऊपर नीचे रखना है और लड्डू को इधर ये मिडिल वाला पार्ट इसपे पहले हम इसे पिंस लगा लेते हैं पहले इस पे आम होल पे पिंस लगानी है नेक पे पिन लगानी है इसको अच्छे से सेट कर लेंगे अब ये लड्डू है जो हमारे सिलाई में प्रॉब्लम करेगा तो हम इस लड्डू को निकाल लेते हैं इसका कॉटन हमें खोलना है इसको निकालना है क्योंकि तो इस पर सिलाई नहीं आएगी मशीन ऊपर नीचे हो जाएगी तो इसको हम ऐसे निकाल देंगे फिर से इसको सिलना है ताकि अच्छे से हमारा नेक बन जाए सुंदर सा नेक बनेगा अभी ऐसे करके अभी हम इस पर इस पर सिलाई लगा सकते हैं ऐसे करके अभी इसके आम होल पे सिलाई लगाते हैं और इसके नेक पे हम सिलाई लगा के लेके आते हैं देखिए हमने सिलाई लगा दी आम होल पे भी लगा दी और इसके नेक पे भी लगा दी है अभी हम एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको हम कट कर लेते हैं और इसमें हल्के हल्के कट्स लगाएंगे ताकि हमारा ये सीधा इजी से हो जाए और नेक हमारा अच्छा सा बने कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारा अच्छे से नेक नहीं बनेगा तो हमें पहले कट्स लगाने इसमें अब इसको सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा के लेके आएंगे नेक के ऊपर और आर्म होल के ऊपर ताकि दोनों पार्ट अच्छे से हो जाए फिर हमें सिलाई लगाने की जरूरत ना पड़े हमने इस पर आर्म होल पर भी सिलाई लगा दी है और इसके नेक पर भी सिलाई लगा दी है अभी हमें जो ये साइड वाला कपड़ा है दोनों पार्ट इन दोनों को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है पहले इन दोनों को पिन लगाएंगे और इसको सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद ये हमारे दोनों पार्ट से जुड़ जाएंगे एक्स्ट्रा कपड़े को चाहे तो आप कट कर सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही रखें हम इसको कट नहीं करेंगे एक्स्ट्रा वाले कपड़े को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारी सिलाई इसके स्मोकिंग वाले पार्ट के अंदर से ही जाएगी हमने सिलाई लगा दी एक्स्ट्रा पार्ट को हमने जोड़ दिया सॉरी दोनों पार्टों को हमने जोड़ दिया इसमें फ्रंट वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया अभी पूरा हमारा ये जुड़ के रेडी हो गया है नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी इसमें देखो अच्छे से जुड़ गया हमारा ये अभी बैक वाला पार्ट है ये बैक वाले पार्ट को हमने कट किया था हमें इस पर भी लाइनिंग लगाने आप चाहे तो बिना लाइनिंग के भी इसको सील सकते हैं लेकिन हम इस पर लाइनिंग लगाएंगे तो हम इस जैसे हमने पहले किया था पहले दोनों पार्टों को इसे अटैच करना है पिंस लगा देनी है इसके ऊपर और फिर इसकी सिलाई लगाएंगे अभी नेक पे सिलाई लगानी है और इसकी आर्म होल पे सिलाई लगानी है हमने सिलाई लगा दी नेक पे भी और आर्म होल पे भी जैसे हमने पहले वाले पे किया था फिर एक्स्ट्रा वाले कपड़े को कट कर देंगे और इसको सीधा कर देंगे फिर ऐसे हमारा ये बैक वाला पार्ट बन गया है अभी साइडों से फिर इसको जो खुला वाला है इधर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे आम वॉल पे भी लगाएंगे इसके नेक पे भी लगाएंगे और साइडों से भी इसकी सिलाई लगाएंगे इधर से नीचे से भी लगा देंगे हमने पूरी सिलाई लगा दी है दोनों वाले हमारे सारे पार्ट ये अच्छे से ज्वाइंट हो गए हैं हर जगह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है अब इसमें इलास्टिक का हमने एक वीडियो बना के डाला हुआ है अगर आपको इलास्टिक डालने का देखना है तो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं देखो हमने ये वीडियो बनाया था इसका ये हमने इसमें डाल दिया है प्लास्टिक आप ऐसे देख सकते हैं अभी हम इन दोनों पार्टों को ज्वाइंट करते हैं दोनों पार्टों को ऊपर नीचे रखेंगे और इनके शोल्डर को हम ये सिलते हैं अभी शोल्डर हमने सिल दिया है अभी पीछे बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रखना है और इस पर जो कि सिलाई हमारी अंदर से आएगी हमारा एक्स्ट्रा क्लॉथ है तो दोनों को हम इस दर से ऐसे करेंगे हमने इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं लिया जितना हमारा सेम था बैक वाला पार्ट हमने उतना ही लिया हुआ है क्योंकि हमें फिटिंग का चाहिए अगर आपको फिटिंग का चाहिए तो आप एक्स्ट्रा क्लॉथ नाले इसमें लास्टिक डालने के लिए अभी हमें दोनों हमने जोड़ दिए हैं अभी इसमें सिलाई लगानी, जो हमने ये निशान लगा रखे है इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो गई इसको सीधा कर लेते हैं ये हमारी चोली बन गई है हमारी चोली बन के ऐसे रेडी हो गई हमें चोली देख बैक वाले साइड से ऐसी दिखाई दे रही है हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी इससे ये हमारी स्कर्ट है स्कर्ट को हमें एक साइड से सिलना है एक साइड से हमारी खुली है एक साइड से हमारी बंद है एक साइड से इसको सिलेंगे एक साइड से हाई लो स्कर्ट है हमारी ये अभी हमने सिल दिया इसको जो लो जो हमारी ये लो वाली है उसको हमें फ्रंट वाले पार्ट पे रखना है और जो हाई वाली वो बैक वाले पार्ट पे रखना है इन दोनों को पार्टों को हम ऐसे मिलाते हैं पहले हम इस पर इनको पिंस लगा लेंगे इन दोनों को अटैच करने के लिए इन दोनों पे पिंस लगाएंगे ये अच्छे से अटैच हो जाएंगे उसके बाद ही हमें ये सिलाई लगाएंगे हमने पिंस ऐसे करके लगा दिए जहाँ पे हमने पिंस लगाए अभी सिलाई करना इजी हो जाएगा हमें इसके चारों साइड से ऐसे करके राउंड शेप में हो जाएगा ये सिलाई लगा के लेंगे फिर सिलाई कंप्लीट करते हैं हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है कंप्लीट होने के बाद ये आप हमारी ड्रेस देख सकते हैं ऐसी हो गई है अभी हम इसको सीधा करते हैं हमारी ड्रेस बन कैसे कंप्लीट हो गई है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए देखिए हमारी ये हाई लो ड्रेस बन गई नीचे से आप चाहे तो इसे पिको करवा सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही इसको नीचे से फोल्ड कर सकते हैं हमारी ड्रेस बन के ऐसे रेडी हो गई है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस